हेलो फ्रेंड्स, जियो टीवी के बारे में आप रोज़ रोज़ नए ऑफर्स यूट्यूब पे या फिर कहीं न्यूज़ पर देखते होंगे, वो सारे क्या सच्चाई के साथ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? लेकिन मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, इसके अंदर देखिए कि जियो ने क्या जियो टीवी दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो ब्रॉडबैंड और जियो लिंक दे रहा है, इन सब की सच्चाई आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप पहले रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या है। हम इस कॉल के देखिए अंत रिकॉर्डिंग। में आपके बहुमूल्य फीडबैक की प्रतीक्षा करेंगे। नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जियो फाइबर जो है वो कब लॉन्च हो रहा है और कोई प्लान लॉन्च हुए हैं इसके? जरूर साहब, जो हमारे जियो फाइबर के लिए जो आप इंटरेस्टेड है इसके लिए धन्यवाद। मेरी बात सुनिए, आप तो ये बता दीजिए प्लान क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? रजिस्ट्रेशन के लिए सर अभी फिलहाल 15 अगस्त से आप हमारे वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jio.com, वेबसाइट के थ्रू ज्यादा अपडेट्स और डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएगी से 15 अगस्त से। ठीक है, और माई जियो ऐप से कर सकते हैं? नहीं सर, ओनली फॉर www.jio.com से, और मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स आपको 15 अगस्त से आपको jio.com वेबसाइट प्लान्स, अभी की कोई प्लान्स निकले हैं इसके अंदर? नहीं सर, प्लान्स जो है अभी फिलहाल कोई लॉन्च नहीं हुआ, अभी फिलहाल जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर चल रहा है। प्रीव्यू ऑफर के तहत आपको अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाता है जो आपको 100 Mbps की स्पीड से दिया जाता है। ये जो प्लान है वो 90 डेज का प्लान है, जिसके अंदर आपको एवरी मंथ 100 GB डेटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जियो को जो कम्प्लीमेंट्री जियो प्रीमियम एप्स लाइक सम जियो टीवी, जियो सिनेमा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास जियो सिम अवेलेबल है तो। आपको जो 100 GB डेटा दिया जा रहा है, अगर आप उसको मंथ के पहले आप उसको कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी स्पीड जो रिड्यूस हो जाएगी अप टू 1 Mbps। अगर आप कंटिन्यूसली हाई स्पीड से डेटा एंजॉय करना चाह रहे हैं तो फ्री में डेटा टॉप अप रिचार्ज कर सकते हैं 40 GB का, जो सेल्फ केयर माई जियो ऐप्स के थ्रू या तो jio.com वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये प्रीव्यू ऑफर चल रहा है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन का कोई भी चार्ज नहीं है। आप ओनली फॉर एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करना है जो है 4,500 rupees। आपको जो ओएनटी होम गेटवे राउटर दिया जाता है उसका डिपॉजिट आप 4 ways से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड थ्रू, क्रेडिट कार्ड थ्रू, पेटीएम वॉलेट थ्रू या तो जियो मनी वॉलेट थ्रू। ठीक है जी सर, हो गया ये सर, यही प्लान है अभी। तो ये जो जियो की सिम से चलेगा या फिर कोई केबल सिस्टम रहेगा इसका? केबल सिस्टम नहीं, आपके घर तक फाइबर केबल आएगा, उसके थ्रू आपको कनेक्शन दिया जाएगा सर। तो और ठीक है, फिर आपने अभी जियो की सिम वाली बात बोली थी, वो आपके जो जियो के जो प्रीमियम ऐप्स है ये फाइबर कनेक्शन के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं जियो के प्रीमियम ऐप्स, तो इसके लिए आपके पास सिम होना जरूरी है, तभी आप जियो के एप्लीकेशन फाइबर केबल के साथ यूज कर सकते हैं। फाइबर केबल, तो फिर केबल का क्या यूज है जब जियो की सिम? केबल के थ्रू आप कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जियो के जो एप्लीकेशन है जियो टीवी, जियो सिनेमा, अगर आप फाइबर नेट से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपके पास जियो का सिम होना जरूरी है। ओके जी सर, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में फिर उसका प्लान नहीं मिलेगा लग? अभी फिलहाल कॉमर्शियली इसके कोई भी प्लान लॉन्च नहीं, अभी फिलहाल ये जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो 3 months वो मतलब मंथली, क्वार्टरली और ये हाफ ईयरली जो प्लान थे वो किस लिए है? वो जियो लिंक के लिए होते हैं, वो अलग होता है और ये अलग है सर। जियो ब्रॉडबैंड और जियो लिंक अलग अलग है? जी सर, जियो लिंक जो है वो सिम बेस्ड होता है सर। ओके जी, और ये जियो फाइबर होता है वो केबल थ्रू होता है सर। ओके जी, तो जियो फाइबर के अभी कोई प्लान नहीं आए मतलब? जी सर, और जियो लिंक के आ चुके हैं? जी सर, तो जियो लिंक लॉन्च हो चुका है या फिर वो भी प्रीव्यू ऑफर में चल रहा है अभी? अभी फिलहाल प्लान उसके लॉन्च हो चुके हैं, बट अभी फिलहाल वो करंटली सेल के लिए अवेलेबल नहीं है सर। ठीक है, उसमें भी ओएनटी गेटवे है? नहीं, उसके अंदर अलग आता है, बाहर का एक आउटडोर यूनिट आता है जो बाहर आपके घर के बाहर लगता है सर, जो छत के अंदर लगता है सर, उसके थ्रू आपको कनेक्शन दिया जाता है, वहाँ से एक केबल आपके घर के अंदर आता है, आपको एक अलग राउटर लेना पड़ता है, उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं सर। और जियो फाइबर में अपने ब्रॉडबैंड जैसा कनेक्शन आएगा? यस सर, जो टीवी और ब्रॉडबैंड दोनों चलेगा? जी सर, अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आप उसके थ्रू नेट के थ्रू यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें डीटीएच सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ओनली फॉर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। फाइबर में सब कुछ मिलेगा? फाइबर में ही आपको बता रहा हूँ, फाइबर में आप ओनली फॉर इंटरनेट सर्विस यूज कर सकते हो, और जियो लिंक में भी आप ओनली फॉर इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हो, दोनों में आप इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हैं सर। तो टीवी कब से यूज होगी? टीवी के लिए अभी फिलहाल कोई भी अपडेट्स नहीं आए सर, आप बताना, अगर डीटीएच की जानकारी लेना चाहते तो डीटीएच जियो ऑफर ही नहीं कर रहा है सर। और कोई हेल्प है सदस्य और आपके? नहीं बस, तो दिल्ली में लॉन्च हो चुका है कि? जी सर, तो दिल्ली में रोहिणी के लिए क्या ऑफर है? सेम ऑफर है सर, सारे कस्टमर के लिए सर। सेम है, तो उसमें टीवी और ब्रॉडबैंड दोनों चल रहा है या वहाँ पे भी ब्रॉडबैंड? ओनली फॉर इंटरनेट सर्विस सर। ओनली फॉर इंटरनेट, तो डीटीएच का कब आएगा?
हमारे पास फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं, जियो डीटीएच सर्विस ऑफर ही नहीं कर रहा है सर। ऑफर तो ये न्यूज में आ रहा है जो, वो जियो डीटीएच सर्विस नहीं है, वो जियो होम टीवी सर्विस है। वो उसका रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से स्टार्ट होगा हमारी वेबसाइट के थ्रू, माई जियो जो सॉरी www. होम टीवी और जियो डीटीएच में क्या फर्क है उसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी अपडेट्स नहीं है। 15 अगस्त से हमारी वेबसाइट के थ्रू नहीं, डिफरेंस क्या है जियो डीटीएच में और वो जो आप बता रहे हो जियो टीवी में? नहीं, हमारे पास उसकी कोई भी डिटेल्स अभी आई नहीं है सर। डीटीएच सर्विस जो रहती है वो अलग, जो सेक्टॉप बॉक्स आती है उसकी, और जियो होम टीवी की अभी फिलहाल कोई भी हमारे पास अपडेट्स नहीं आई है। हमारे पास ओनली फॉर इतनी अपडेट्स आई कि 15 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इंटरेस्टेड रजिस्ट्रेशन जो हमारी वेबसाइट के थ्रू होगा। ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जियो जो है जियो डीटीएच सर्विस नहीं दे रहा है, ना ही वो ऑफर कर रहा है, सिर्फ उसका फोकस अभी जियो फाइबर और जियो लिंक पर है जो कि पूरी इथरनेट सर्विस है, यानी कि पूरी इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। उसके अंदर कोई भी टीवी चैनल का जिक्र नहीं है, ना ही डीटीएच सर्विस का। जिस तरह से एयरटेल वीडियोकॉन वगैरह डिश टीवी वगैरह आपको चैनल से ऑफर कर रहे हैं उस तरह से नहीं है। तो वो लोग जो सिर्फ टीवी देखने के हिसाब से टीवी चैनल के हिसाब से ऐसा सोचकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग सावधान हो जाएं, उनके पैसे लग जाएंगे 4,500 रुपए। इसलिए वही लोग इसमें इंटरेस्टेड दिखाएं जो लोग सिर्फ इंटरनेट सेवा लेना चाहते हैं, फास्ट इंटरनेट, और जिनका जो जियो की लिमिट दे रखी है अपने जियो सिम के अंदर उससे काम नहीं चल रहा, या फिर उनका कोई ज्यादा नेट का काम है, वही लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाए, वरना उनके 4,500 रुपए लग जाएंगे। तो आपने अच्छे से सुना है जियो की ये कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग की जियो डीटीएच सर्विस नहीं दे रहा है, तो उन लोगों से आप सावधान रहे जो लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं या फिर जो लोग फेक न्यूज बना रहे हैं कि जियो 150 रुपए में, 200 रुपए में, 50 रुपए में मंथली आपको चैनल से दिखाएगा, 500 चैनल दिखाएगा, 600 चैनल दिखाएगा, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं आया है जिस हिसाब से अपन ने रिकॉर्डिंग सुनी है, ना ही किसी जियो की साइट पे ऑफर कर रखा है। क्योंकि जियो के कस्टमर केयर ने बोला है कि सारी नॉलेज आपको, सारी इसके बारे में डिटेल्स आपको jio.com पे मिलेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद, वो भी सिर्फ जियो फाइबर और जियो लिंक की, वहां पर जियो डीटीएच की कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। जिक्र हुआ है सिर्फ स्मार्ट टीवी का जो कि इंटरनेट से चलेगी, वो स्मार्ट टीवी जो एलईडी टीवी है या फिर स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब इंटरनेट सपोर्ट करती है, वही टीवी चलेगी, वो भी आप किसी भी नेट से चला सकते हो क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड चलेगा, आपका फाइबर केबल का जो नेट है वो खर्च होगा उसके अंदर, इसलिए उसको ब्रॉडबैंड होम या फिर आप बोल सकते हैं गीगा राउटर, गीगा टीवी, इस तरह से नाम दिया गया है, क्योंकि वो सब चीज़ें वो इंटरनेट से चलेंगी, किसी भी टीवी चैनल की तरह कोई चैनल नहीं दिखाएंगे। तो आप सावधान रहे ऐसे लोगों से जो आपको 500 चैनल या फिर 1000 चैनल का ऑफर दे रहे हैं और फेक वीडियोज बना रहे हैं, क्योंकि आपको मिलेगी सारे वीडियोज की जानकारी इसी चैनल पे सच्चाई के साथ में। तो देखते रहिए टेक एन सी यूट्यूब चैनल इस और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की आने वाली खबर आपको मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स।